हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। माय सेल्फ डीएम शर्मा, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य एजुकेशन पर। दोस्तों, एग्जाम का माहौल नजदीक है। इवन नेक्स्ट मंथ 14th ऑफ मार्च 2023 से आपकी बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रही है, और आप सभी लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने पूरे साल मस्ती की है और अब वो सोच रहे होंगे कि जस्ट एक महीना बाकी है और हमारी पासिंग मार्क्स लाने तक की तैयारी नहीं है, वेरी स्पेशली इन अकाउंटेंसी एंड इन स्टैटिस्टिक्स। सो फ्रेंड्स, ऐसे स्टूडेंट्स को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं हूं ना। फ्रेंड्स, मैं आपको पासिंग मार्क्स इवन उससे थोड़े ज्यादा मार्क्स लाने की ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप कम मेहनत में और कम समय में भी इजीली पास हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो सभी ये बेनिफिट ले सकें। तो फ्रेंड्स, आपको अकाउंटेंसी में पास होने की अगर चिंता है तो मैं जैसा जैसा कहता हूं वैसा आप करिए। आप सेक्शन वाइज जाइए। सेक्शन एफ में आपको दो सम्स मिलते हैं, जिसमें से एक फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी। सो फ्रेंड्स, फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप इज अ वेरी लेंथी सम, जिसे करने के लिए नियर अबाउट 30 से 45 मिनट का समय हमारा जाता है। उसके कंपैरिजन में कंपनी का जो फाइनल अकाउंट है उसे सॉल्व करने में हार्डली 10 से 15 मिनट का समय जाएगा और फुल 11 मार्क्स आपके आएंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कंपनी फाइनल अकाउंट, और मैं आपको श्योरिटी देता हूं मेरे वीडियो देखने के बाद 100% आपके वो 11 मार्क जरूर आएंगे। चलिए, 11 मार्क की तैयारी तो हो गई, अब बाकी के मार्क्स के लिए क्या करें। तो फ्रेंड्स, सेक्शन डी में आप आ जाइए। सेक्शन डी में हर एक सम 4 मार्क्स का होता है और ऐसे 4 सम्स पूछे जाते हैं। तो 4 4 16 मार्क्स हुए। उन 4 चैप्टर्स में से फर्स्ट गुडविल, सेकंड पार्ट 2 में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, थर्ड अकाउंटिंग रेशियो एंड फोर्थ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये चारों 4 चैप्टर अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप इजीली ये 16 मार्क्स भी स्कोर कर पाएंगे। तो 16 प्लस 11 फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी के मिलकर हो जाते हैं 27 मार्क्स। अब आपको पास होने के लिए जस्ट 6 मार्क्स की जरूरत है। तो अगर आप फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप की एंट्रियां करेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर की एंट्रियां करेंगे, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की एंट्रियां करेंगे, तो ये 6 मार्क्स इजीली आप इन तीनों की एंट्रियों से भी ले सकते हैं। और अभी तो मैंने सेक्शन ए, जिसमें एमसीक्यूज होते हैं, और सेक्शन बी, जिसमें 1 वर्ड और 1 लाइन आंसर्स होते हैं, उसकी तो बात ही नहीं की है। यानी आप 100% पास हो जाएंगे। बस भरोसा रखिए और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3, फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी, जो कि 11 मार्क्स में पूछा जाता है। 11 मार्क्स का एक सम सॉल्व करने के लिए हमें 2 स्टेटमेंट्स तैयार करने होते हैं, जिसमें एक है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा है बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3। तो गाइस, पहले हम सीखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका टाइटल आपको इस तरीके से लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ डैश लिमिटेड। यहां पर आपको कंपनी का नाम लिखना है जो आपको सब में दिया रहेगा। फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, यहां पर आपको क्लोजिंग ईयर लिखना है, वो भी आपको सब में मिल जाएगा। कॉलम्स में फर्स्ट पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, ये मोस्टली ब्लैंक ही रहता है, एंड देन अमाउंट। कई लोग अमाउंट के लिए 2 कॉलम बनाते हैं, जो एक इनर कॉलम और एक आउटर कॉलम होता है।
लेकिन उसकी कोई इतनी जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ एक अमाउंट का कॉलम बनाएंगे तो भी सम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करने के लिए टोटल 7 स्टेप्स हैं, हम बारी बारी से देखते जाएंगे। तो गाइस, फर्स्ट स्टेप है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसे हम सेल्स भी कहेंगे। ये आपको डायरेक्टली सम में दिया रहेगा, और अगर सेल्स रिटर्न सम में दिया हो तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद अमाउंट बाहर लिखेंगे, और अगर सेल्स रिटर्न नहीं दिया हो तो डायरेक्टली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस सेल्स लिख के हम अमाउंट बाहर लिख देंगे। इसके बाद का स्टेप से फ्रेंड्स सेकंड नंबर अदर इनकम्स। अदर इनकम्स में टोटल 5 टाइप की इनकम्स आती हैं, उन 5 में से कोई एक या मैक्सिमम आपको 2 डिटेल्स रहेंगी, उन डिटेल्स की चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले जस्ट हम हेडिंग समझ लेते हैं। फर्स्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सेकंड अदर इनकम्स, थर्ड स्टेप हमारा बनेगा टोटल रेवेन्यू, जो कि स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 इन दोनों डिटेल्स को टोटल करके हमें मिलेगा। तो यहां हमें टोटल रेवेन्यू मिल चुका है। फोर्थ स्टेप हमारा होने वाला है एक्सपेंसेस, जिसमें नियर अबाउट 7 टाइप के एक्सपेंसेस रहेंगे। कुछ एक्सपेंसेस को हम एज इट इज लिखेंगे और कुछ एक्सपेंसेस के नाम चेंज हुए हैं, यानी कि उन्हें अलग हेडिंग के नीचे लिखना होता है, तो उसकी चर्चा अभी हम बाद में करेंगे। पहले जस्ट हम हेडिंग्स देख लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सेकंड उसमें हम अदर इनकम प्लस करके टोटल रेवेन्यू फाइंड करेंगे, फिर हम एक्सपेंसेस का लिस्ट बनाएंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं यहां हमने एक्सपेंसेस के नीचे 7 लाइन छोड़ी हुई है, इन सभी एक्सपेंसेस का टोटल हम यहां कर लेंगे और हमें मिल जाएगा टोटल एक्सपेंस। इसके बाद हमारा फिफ्थ स्टेप आएगा, जो कि है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके लिए हम हमारी थर्ड नंबर की जो डिटेल्स है टोटल रेवेन्यू, उसमें से 4 नंबर का टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे, तो 3-4 करने के बाद हमें मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बाद हमारा सिक्स्थ स्टेप आएगा, जो कि है प्रोविजन फॉर टैक्स। फ्रेंड्स प्रोविजन फॉर टैक्स परसेंटेज में दिया रहेगा, तो जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया था फिफ्थ स्टेप में, उस अमाउंट पर आपको वो परसेंटेज अप्लाई करके यहां अमाउंट भरनी है। कभी कभी डायरेक्टली अमाउंट दे दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर टैक्स इज 80,000, तो आप डायरेक्टली 80,000 यहां लिख देंगे। और कभी कभी प्रोविजन फॉर टैक्स दिया ही नहीं होता, तो उस टाइम इस स्टेप में आप डैश कर देंगे, यानी जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वही आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी रहेगा। लेकिन अगर प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स नंबर 5 में जब आप स्टेप नंबर 6 माइनस करेंगे, तब 7 स्टेप में आपको मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो फ्रेंड्स यहां हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो गया, बहुत ही इजी है। अब फ्रेंड्स एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं एक बार उनका लिस्ट देख लेते हैं, और अदर इनकम में कौन कौन सी इनकम आती है वो हम देख लेते हैं। तो गाइस अदर इनकम्स में 5 टाइप की इनकम आपको याद रखनी है, जैसे रिसीव्ड रेंट, रिसीव्ड इंटरेस्ट, कभी कभी रिसीव्ड डिविडेंड भी होता है, रिसीव्ड डिस्काउंट, सेल ऑफ स्क्रैप, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। इन 5 में से कोई एक या 2 डिटेल्स आपको मिलेंगी, उन दोनों का टोटल करके आपको यहां लिख देना है। अब फ्रेंड्स एक्सपेंसेस देखेंगे, तो एक्सपेंसेस में टोटल 7 टाइप के एक्सपेंसेस रहेंगे, जिसमें परचेस नंबर 1, परचेस डायरेक्टली दिया रहेगा तो उसी नाम से हम लिखेंगे। इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो सकता है, या कभी कभी कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड दे सकते हैं तो वो भी हम डायरेक्टली लिखेंगे। थर्ड नंबर पर चेंज इन स्टॉक, जिसके लिए आपको ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है और फिर अमाउंट बाहर ले जानी है। याद रखिए अगर ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने से आपका आंसर माइनस में आता है, तो आप अमाउंट के अराउंड ब्रैकेट करेंगे। इसके बाद है एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, जिसमें सैलरी वेजेस एंड कंट्रीब्यूशन टू पीएफ आता है। याद रखिए फ्रेंड्स यहां पर आप डायरेक्टली सैलरी वेजेस नहीं लिख सकते, आपको सैलरी और वेजेस एंड कंट्रीब्यूशन टू पीएफ
इन तीनों के लिए इस हेडिंग का यूज करना है, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस। अगर आपने डायरेक्टली सैलरी या वेजेस लिख दिया तो हो सकता है आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएं। कभी कभी आपको सिर्फ सैलरी देंगे तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस लिख के ब्रैकेट में सैलरी लिख के अमाउंट बाहर कर दो, और कभी कभी आपको सैलरी वेजेस दोनों देंगे तो आप ब्रैकेट में सैलरी प्लस वेजेस दिखाकर दोनों की अमाउंट का टोटल बाहर निकालेंगे। इसके बाद फाइनेंशियल कॉस्ट आएगा। फाइनेंशियल कॉस्ट में किसी भी टाइप का पेड इंटरेस्ट या पेड डिविडेंड वो आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, इस टाइप का कोई भी पेड इंटरेस्ट या डिविडेंड वो फाइनेंशियल कॉस्ट में आएगा। फिर है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो डेप्रिसिएशन तो आप जानते हैं किसी भी एसेट की डेप्रिसिएशन वो यहां आ जाएगी उसी डेप्रिसिएशन के नाम से, लेकिन अमोर्टाइजेशन में आप रिटर्न ऑफ अमाउंट ऑफ इनटेंजिबल एसेट जैसे कि गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ऐसी कोई भी एसेट हो और अगर वो रिटर्न ऑफ हुई हो तो उसकी अमाउंट भी आपको इसी हेडिंग में लिखनी है। फिर लास्ट है अदर एक्सपेंसेस जिसमें लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट आएगा। जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट वो अदर इनकम में लिखा था हमने, ऐसे ही लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट वो अदर एक्सपेंसेस में आएगा। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एंड सेलिंग एक्सपेंस भी अदर एक्सपेंसेस में आएंगे। तो यहां मैंने आपको 7 एक्सपेंसेस बताए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको 7-7 एक्सपेंस आए, हो सकता है एग्जाम में आपको इनमें से 2 या 3 एक्सपेंस ही मिले। तो गाइस आशा है आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको इस स्टेटमेंट की प्रैक्टिस हो जाए इस पर्पज से मैं आपको एक सम सॉल्व करवा रहा हूं। वो सम एग्जाम व्यू पॉइंट से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का सम कभी भी एग्जाम में नहीं आता, क्योंकि 11 मार्क्स के लिए आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट दोनों बनानी होती है। दूसरी एक बात, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से 2 ऐसी डिटेल्स हैं जो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होती हैं, जिसमें से नंबर 1 है प्रोविजन फॉर टैक्स, ये करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के हेडिंग्स के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स की सेकंड एंट्री आएगी, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड्स में रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग के नीचे आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जाएगा। यानी ये दोनों की दोनों डिटेल्स बैलेंस शीट में ट्रांसफर होंगी। तो चलिए जस्ट इसकी प्रैक्टिस हो जाए इस पर्पस से हम एक सम सॉल्व करेंगे। सो गाइज बीएस शाह में 12 नंबर का सम जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से रिलेटेड है वो हम सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ पटेल लिमिटेड प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2022 एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इस सम की डिटेल्स अगर पढ़े तो सेल ऑफ स्क्रैप दिया हुआ है, तो ये हमारी अदर इनकम की एक डिटेल है 10,500। देन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ये एक्सपेंसेस में चला जाएगा, सैलरीज ये भी एक्सपेंसेस में आएगा एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस के हेडिंग के नीचे, इंटरेस्ट पेड ये फाइनेंशियल एक्सपेंस में चला जाएगा, सेल्स ये हमारी सबसे पहली डिटेल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वहां चला जाएगा, देन चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये आपको डायरेक्टली दे दिया है, आपको ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक करने की जरूरत नहीं है, देन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपको 15,600 दिए हुए हैं कि आप ये आपके अदर एक्सपेंसेस में चले जाएंगे, एंड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है डायरेक्टली 84,000 एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 30% दिया हुआ है। तो चलिए इस सम को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट तैयार करेंगे और स्टेटमेंट का टाइटल रखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ पटेल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2022। अब फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप्स हम हमारे 7 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सो फ्रेंड्स हमारी फर्स्ट डिटेल है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि सेल्स, जो कि 381,000 सम में दी हुई है। आप यहां देख सकते हैं 5 नंबर पर सेल्स 381,000 जो हमने लिख दिया,
अब हमारा सेकंड स्टेप है अदर इनकम्स। तो अदर इनकम में जो आपको पांच मैंने अदर इनकम्स बताई थी उसमें से एक फर्स्ट नंबर पर हमें मिल जाएगी सेल ऑफ स्क्रैप, दैट इज 10,500। तो आप देख पा रहे हैं सेकंड डिटेल अदर इनकम सेल ऑफ स्क्रैप मैंने लिख दिया। अब हमारी थर्ड डिटेल आएगी जो है टोटल रेवेन्यू, जिसके लिए हम फर्स्ट और सेकंड का टोटल करेंगे जो हमें मिलेगा 391,500। अब फोर्थ नंबर पर एक्सपेंसेस आएंगे, तो चलिए हमारे सब में हम एक्सपेंसेस का लिस्ट देख लें। फॉर्मेट समझाते समय मैंने आपको फर्स्ट डिटेल परचेस दिखाई थी जो इस पूरे सम में कहीं नहीं है। तो जैसे मैंने आपसे कहा था आप सम को पढ़ते जाइए, जो डिटेल आपको दिखे वो आप लिख दीजिए। तो सबसे पहला सेल ऑफ स्क्रैप वो हम लिख चुके हैं। इसके बाद हमारे पास है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 1,87,500, तो ये हम हमारा फर्स्ट एक्सपेंस लिख देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 1,87,500 हमने लिख दिया। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के बाद हमें मिलता है सैलरी 78,000 जो हम एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस के नाम से लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पर हमने एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस सैलरी भी लिख दी है। इसके बाद हमें मिलेगा इंटरेस्ट पेड 9,000, तो इंटरेस्ट पेड ये फाइनेंशियल एक्सपेंस है, तो हमने थ्री नंबर डालकर फाइनेंशियल एक्सपेंस इंटरेस्ट पेड 9,000 भी लिख दिया। इसके बाद आप देख सकते हैं सिक्स नंबर पर चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स डायरेक्टली दे दिया है, तो यहां हमें ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम चेंज इन स्टॉक लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां हमने चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 12,000 भी लिख दिया। इसके बाद आप देख सकते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 15,600 जो अदर एक्सपेंसेस के हेडिंग में आएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं फाइव नंबर पर अदर एक्सपेंसेस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी हम लिख चुके हैं। अब एट नंबर पर हमें दिया हुआ है डेप्रिसिएशन 84,000 जो हम डायरेक्टली डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के नाम से लिख देंगे। तो फ्रेंड्स यहां हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री भी कर दी है। तो अब आप देख सकते हैं इस सम की सारी डिटेल्स हम लिख चुके हैं। ओनली प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एट 30% ऑफ प्रॉफिट ये एंट्री बाकी है जो हमारी सिक्स नंबर के स्टेप में आएगी। तो फ्रेंड्स अब हम इन सारे एक्सपेंसेस का टोटल कर लेंगे जो कि 386,100 आएगा। तो फ्रेंड्स अब हम हमारा फिफ्थ स्टेप फाइंड करेंगे जो कि है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके लिए हम थ्री नंबर के स्टेप में से फोर नंबर का स्टेप माइनस करेंगे जो हमें मिलेगा 5,400। अब सिक्स नंबर के स्टेप में प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा जो कि प्रॉफिट का 30% है, यानी हमारा प्रॉफिट यहां पर 5,400 है उसका 30% 1,620। और लास्ट में हमारा सेवन स्टेप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसके लिए हम 5 नंबर माइनस 6 नंबर करेंगे तो वो हमें मिल जाएगा 3,780। तो फ्रेंड यहां पर हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो चुका है। बिल्कुल इसके जैसा ही सम आपकी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में सम नंबर 8 दिया हुआ है जहां पर सिर्फ फिगर्स चेंज है बाकी डिटेल्स सेम है, तो आप प्रैक्टिस के लिए उस सम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझेंगे और 11 मार्क्स में बोर्ड में पूछा जाने वाला एक बड़ा सम हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, आपको समझ आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके।